आगामी 20 जुलाई को प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर आगमन को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। वहीं कई दिनों से चली आ रही आम सभा स्थल चयन के संशय को विराम भी लगा दिया गया। जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं की सहमति से प्रदेश मुख्यमंत्री की आम सभा शहर के चंबल तट मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में की जा रही है, जहां पर रविवार को शासन प्रशासन का महकमा अपने दल बल के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करता नजर आया। जिसकी जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि आगामी 20 जुलाई को प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा आ रहे हैं। उनके प्रस्तावित दौरे के अनुसार वे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हितग्राही सम्मेलन व विकास पर्व के अवसर पर आम जनता को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर उन्होंने एडीएम अनुकूल जैन, एएसपी आकाश भूरिया, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया एवं कार्यक्रम के लिए विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर आवागमन के लिए पार्किंग व्यवस्था, वीआईपी पार्किंग व्यवस्था, डोम बनाने, माइक व स्टेज संबंधित निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस पर विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी। 30 फीट के सर की सिटिंग रहेगी। सर के साथ कितने गेस्ट सर सोफा पर रहेंगे? यहाँ तक कर देते हैं सर, क्योंकि यहाँ हमारा साउंड कंट्रोल भी रहती है। जी ठीक है सर। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे बीच में एक पेड़ आ रहा है, ये बीच वाला। इसके बाद हम लोग बेसिक नॉर्मल 7x सोफा शेप बना रहे हैं। इधर 5 वाला एरिया यहाँ पे हमारा ये शेप बन रहा है। जब एक्स्ट्रा हो जाएगी तो यहाँ सर दोबारा निरीक्षण किया गया सेम हाउस आने के लिए क्या है? देखिए नई जगह चिन्हित हुई थी और बहुत ही अच्छी जगह है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिन बाद आ रहे हैं तो स्वाभाविक है काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए ऐसी उपयुक्त जगह की जरूरत थी जिसमें मुख्यमंत्री जी लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हितग्राहियों को जो लाभ है वो भी वितरण करेंगे प्रतीक के रूप में। हितग्राही तो ज़्यादा रहे, जैसे नागदा खाचरोद में बहुत सारे लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे मिले हैं रहवासी, इसके लिए शहर के लोगों को भी पट्टे मिल रहे हैं, उन लोगों को वितरित करेंगे, अन्य हित लाभ वितरित करेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा, इसलिए तैयारियों को देखने हम लोग इकट्ठा हुए। सर वाहन पार्किंग के लिए कुछ कोई व्यवस्था की गई? नहीं, वाहन पार्किंग की अलग व्यवस्था होगी। ये बहुत ही आज से काम शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था। सर क्या डेट फिक्स हुई है? 20 तारीख को दोपहर बाद की डेट है। सर बारिश को देख के कोई नहीं, जितने वो डोम लगा रहे हैं वाटरप्रूफिंग लगा रहे हैं, तो बारिश के कारण किसी कोई असुविधा नहीं है। सर लास्ट टाइम जब आप आए थे शहर में एक शराब की दुकान का मामला उठा रहा सर, उसमें आपने जांच के निर्देश भी दिए थे सर, जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई होगी वो होगी।